नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मास्टर सेलेक्शन में। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन से सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इस प्रशिक्षण चाहते हैं या घर बैठे बैठे सीखें, तो बहुत ही आसानी से आप व्हाट्सएप के थ्रू सीख सकते हैं। केवल 500 मंथली फीस पे करके आप घर से ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं और ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स आप घर से ही कर सकते हैं। ये सब कुछ होगा मेरे थ्रू, और इसकी हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट्स भी आपको अवेलेबल करा के दिया जाएगा। ये बाई इंडियन पोस्ट आपके घर तक पहुँचाया जाएगा, तो ऐसा सुनहरा मौका बिल्कुल मिस मत कीजिए, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मास्टर सेलेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला स्टेप कुछ इस तरीके से है कि हम बॉडी में सबसे नाजुक हिस्सा ढूंढते हैं जहाँ पे हम अटैक करें और एक ही बार में बंदे को गिरा डालें। अधिकांश ऐसा हो नहीं पाता, रोड फाइट में आदमी सब भूल जाता, बट जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना, उनका अटैक ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्पीड से चलता है, इसलिए मार्शल आर्ट को सक्सेस माना गया है। कोई ऐसा नहीं कि अगर यहाँ कॉलर पकड़ा है तो आप उछल के जंप किक मार दें, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ, बट जब एक नॉर्मल आदमी पंच मारता है और एक मार्शल आर्टिस्ट पंच मारता है, तो उसमें कम से कम 100 गुने का अंतर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मार्शल आर्ट आपके लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट रोड फाइट हुई, कॉलर धर लिया बंदे ने, ये ठीक है, कॉलर धरते ही हम क्या करेंगे, इसके अंगूठे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से ये उठाएंगे और इस चीज़ को उठा देंगे बाहर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, अंगूठे इधर ध्यान दीजिए, अंगूठा आया और इसके एल्बो को ऊपर की तरफ उठा दिए, पहला। दूसरा टेक्निक देखिए, सेम इसी से मिलता जुलता, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। बंदे ने पकड़ा, ये पकड़ा इस हाथ को, इस हाथ को अब इससे, और इसको अंदर मारना और यहाँ से चीज कर देना है इस तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से ये बंदा लॉक हो जाएगा और आसानी से आप इसका डिफेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्या है बंदा कॉलर पकड़ा, ठीक, इसके जहाँ पे एल्बो मुड़ता है उसके ऊपर तेजी से हाथ मारना, इसको पकड़ते हुए हाथ मारना और अंदर इसे मोड़ देना इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसको बहुत ही आसानी से नीचे की तरफ फोल्ड करते जाओगे और ये गिर जाएगा नीचे, ये देखिए पूरे तरीके से हाथ जो है इसका लॉक हो चुका है। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और आसानी से होने वाली टेक्निक है। बंदे ने हाथ रखा इस तरीके से, हमको यहाँ मारना है और इसके हाथ को, इसके हाथ के यहाँ से लपेटने की कोशिश करनी डाउन, और इसे शोल्डर पर लेकर के खड़े हो जाना है इस तरीके से, और मैं कस के अगर प्रेशर दे दूँ तो इसका हाथ यहीं पर डैमेज हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बोथ हैंड दो हाथों से कॉलर पकड़ता है। सबसे पहली चीज़ हमें इसे छुड़ाने के लिए क्या करना है, हाथ को ऊपर उठाना है, देन ये पकड़ना है और उसके एक फिंगर को फैंड करना है, एंड देन यहाँ से ये एल्बो मारेंगे फेस के ऊपर और इसके एक फिंगर को घुमा देंगे बाहर की तरफ, ये देखिए पूरे तरीके से यहाँ से ये ब्लॉक हो जाएगा और आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, पूरे तरीके से ऐसे ब्लॉक है। उसके बाद देखिए, बोथ हैंड, बंदे ने कॉलर पकड़ा, अभी हमने क्या करना है, दोनों हाथों को यहाँ से क्रॉस करते हुए इसके हाथों के ऊपर मारना है इस तरीके से, ये देखिए ये सर पकड़ेंगे, देन अपना सर खींच के इसे नोज के ऊपर मारेंगे, नाक के ऊपर, बहुत बुरी चोट, ये जो नोज है बहुत नाजुक हिस्सा है और बहुत बुरी चोट इसके ऊपर बैठती है, इसीलिए हमें नोज के ऊपर अटैक करना है। अब देखिए बैक साइड से, बंदे ने इस तरीके से पकड़ा, ये पहली चीज, तो पहला चीज क्या है, आप इसके बाल को पकड़ लीजिए, ये देखिए सामने से आप इसके बाल को पकड़ लीजिए, ठीक, ये दबा रहा है दबाने दीजिए, बाल को पकड़े खींचे रहिए इस तरीके से, इसका कान हाथ में आ जाए या नोज हाथ में आ जाए, इसको बाहर की तरफ इस तरीके से लपेटने की कोशिश कीजिए, तुरंत इसे पकड़ ढीली हो जाएगी इस तरीके से, अगर आप ये हाथ फ्री हैं तो। अब देखिए फिर से, बंदे ने पकड़ा, ये दूसरी टेक्निक ये होती है कि हम एल्बो खींच करके इसे पेट में मारेंगे, एल्बो खींच करके पेट में मारेंगे, और देन जैसे अगर हाथ ढीला हो जाता है तो हाथ को छुड़ाएंगे नहीं, अगर मान लीजिए इसने पकड़ रखा है हमने एल्बो मारा, तो फिर यही कंडीशन अप्लाई होती है, इसे बाल पकड़ के आगे ले आइए, छोड़ देगा बंदा, तुरंत छूट जाएगा और आप एक गिरफ्त में आ जाएगा ये, और बुरी तरीके से लॉक भी हो जाएगा क्योंकि आपने उसे बाल पकड़ रखा है और बाल के साथ साथ गर्दन को पकड़ के रखा हुआ है। अभी अब मान चलिए बंदे ने हाथ को ऐड दिया लाइक इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ऐठा जा रहा है, और अब आप इसको डिफेंस करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, देखिए अपने आप को अब अंदर ले जाते हुए एल्बो को बैंड करेंगे ये, और अगर फेस पास में है तो सीधा फेस के ऊपर मार दीजिए, ये फेस के ऊपर मारिए और हाथ को पकड़िए, झटके से छुड़ा लीजिए,
बहुत ही आसानी छूट जाएगा। पास से देखिए, हाथ को इसने बैंड किया इस तरीके से, हमें बैंड करना है और इसे फेस के ऊपर, ये एल्बो ले जाके इसके फेस के ऊपर ये मारेंगे और इस हाथ को पकड़ते हुए यहाँ से छुड़ा लेंगे, छुड़ा करके दूर हट जाएंगे इससे, पहली चीज। अब सामने से कोई हाथ पकड़ लेता है देन क्या करेंगे, तो इसके लिए अपोजिट वर्क होता है। ये देखिए, ये है जिस तरफ को इसका अंगूठा है उस तरफ को इसे आप बैंड कर देंगे, तुरंत ये छूट जाएगा। वन मोर टाइम, ये देखिए, ये पकड़ा इस तरीके से, ठीक है, और आप हिल नहीं पा रहे, तो आप अपने हाथ को नीचे लाइए इधर, ठीक है, और ये देखिए बाहर निकालेंगे, तुरंत इसी अंगूठा अपोजिट पड़ेगा और तुरंत इसे पेन होगा, छोड़ देगा ये। अब देखिए बगल से पकड़ता है दोनों हाथों से इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, हमें छुड़ाना है तो अब हम क्या करेंगे, अब बहुत ताकत लगा रहे, नहीं छूट रहा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हाथ को यहाँ से पकड़िए और ऊपर की तरफ लपेट दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रखें, अगर आपके हाथों में ताकत है तब क्या करेंगे, ऊपर ले जाइए हाथ को, यहाँ से सीधा कीजिए और यहाँ से ये डाउन कर दीजिए, इसके अंगूठे अपोजिट होंगे। देखिए अंगूठा कैसे अपोजिट हो रहा है, ये देखिए, ये पकड़े इस तरफ हमारा अंगूठा है ना, ये देखिए इसका अंगूठा बैंड होगा और ये तुरंत छूट जाएगा, आसानी से छूट जाएगा और कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से आप छुड़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए, कोई बंदा पीछे से दोनों हाथों को पकड़ रखा है, घुमा करके पकड़ रखा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर लग जाइए इस तरीके से, ऊपर चले जाइए इसके, वो भी नहीं कर सकते हैं तो हाथ को सीधा रख नीचे इधर ऐसे घिसकाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और डाउन होते हुए इसको आगे कर दीजिए, एंड देन ये फोल्ड हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा और आप यहाँ से इसे एल्बो खींच के मार सकते हैं एंड इसका हाथ डैमेज कर सकते हैं आसानी से। अब इस तरीके से इस बंदे ने पकड़ रखा है, तो सबसे पहले इस पे हाथ लगाना है ताकि आपको और ना डाउन कर पाए, ये लगाएंगे हाथ इस तरीके से ये, और हमें इस हाथ के ऊपर हाथ मारना है और इसके हाथ को यहाँ से लपेटते हुए छुड़ा देना है, ठीक है, छुड़ाएंगे और इसके हाथ को ऊपर रखते हुए कस के हम अंदर की तरफ प्रेशराइज करेंगे, तुरंत ये हाथ यहाँ से डैमेज हो जाएगा, इसका अंगूठा भी आप पकड़ करके कस के आगे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पेन देगा इस बंदे को और इसकी हालत ख़राब हो जानी है यहाँ से फिर। तो दोस्तों इन टेक्निक के साथ आप अपना डिफेंस आसानी से कर सकते हैं और किसी भी शख्स को रोड फाइट के अंदर आसानी से हरा सकते हैं। आपसे मजबूत होगा तो भी इन टेक्निक के सामने वो टिक नहीं पाएगा और आप अपना डिफेंस कर पाएंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट मैसेज है लास्ट में आपके लिए कि अगर आप में से किसी भाई को जॉब की ज़रूरत है तो वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं, कमीशन बेस्ड जॉब है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपको जॉब करने कहीं जाना है, घर से बैठ के काम करना है। अगर आप कमीशन बेस्ड जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मार्शल आर्ट से ही रिलेटेड जॉब है, तो आप मोस्ट वेलकम है, जो भी भाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं शेयर करके। बस आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे हिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।